नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। शेखपुरा के दो अलग अलग गांवों में समस्या, डीएम से मिलकर की शिकायत। शेखपुरा जिले के बरभीघा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत केवटी ओपी गांव में डीलर की मनमानी से तंग आकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी इनायत खान को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर के द्वारा पहले ही अनाज उठाने का अंगूठा ग्रामीणों से लगवा लिया जाता है, लेकिन डीलर सब हम लोगों को अनाज नहीं देते। आवेदन देने के पश्चात मीडिया से शिकायत करते हुए ग्रामीण ने बताया कि डीलर के द्वारा शिकायत करने पर मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया जाता है। दबंग डीलर से तंग आकर ग्रामीण एकजुट होकर डीएम से मिले और आवेदन सौंपा। जिलाधिकारी इनायत खान ने कार्रवाई किए जाने का भरपूर भरोसा दिलाया है। वहीं दूसरा मामला है शेखपुरा सदर के चकंद्रा गांव का, जहां के ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा चकंद्रा पंचायत को चेवाड़ा में जोड़ लिया गया है, जबकि 95% कृषि वाले क्षेत्र को शामिल करना उसी के विरोध को लेकर चकंद्रा गांव के ग्रामीण ने डीएम से मिलकर गुहार लगाई है। डीएम ने जांच करने का पूरा भरोसा दिलाया है। बाईस तारीख को उन्होंने टिप्पा लेकर के चले गए। अच्छा, हम 3 तारीख के हम गए टिप्पा गल्ला लाने के। गल्ला लाने के लिए जब गए तो वहाँ कहते कि टिप्पा ले रहा है। हम कहे सर क्या चीज़ का टिप्पा ले रहे हैं, 22 तारीख को आप टिप्पा ले रहे किए तो 3 तारीख के फिर टिप्पा के लिए, और किसी को लगा है टिप्पा, किसी को नहीं लगा। तो मतलब ये क्या, कौन टिप्पा लेते हैं? गला जो वहाँ के डीलर हैं, कौन गांव का मामला है? केवटी गांव का मामला है। कितना लोगों के साथ इस तरह का हुआ है कि मतलब दस्तखत लेकर के नहीं दिया गया है? बहुत लोगों को नहीं दिया। अच्छा, क्या कहते हैं आपके डीलर जो हैं, क्या कहते हैं? डीलर कहते हैं कि जब गल्ला आएगा तभी देंगे, और दस्तखत करवा लेते हैं। दस्तखत पहले करवा लेते हैं, गल्ला भी नहीं मिलता है? गल्ला मिलता है, कभी 20 दिन में मिलता है, कभी 15 दिन के बाद, कभी कहीं भी नहीं भी मिलता। एक महीने के बाद गल्ला भी अच्छी हो जाता है, कभी गल्ला नहीं भी मिलता, मतलब दस्तखत हो जाता है जी। क्या जब हम 3 तारीख को गल्ला जब लाने के लिए हम गए तो कहें, हम कहें कि सर आप गल्ला देते हैं तो काजी फतु जग में 10 किलो दिया, 5 किलो दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हम कहते हैं कि वहाँ काजी फतु चक में मूसापुर में कोल्हरपुर में पक्का चावल मिला, आप कच्चा चावल क्यों दे रहे हैं, और गेहूँ भी खराब है। इसी के दरमियान हमको ठेल ढकेल करके मारने लगा, मारते हुए उनका हीरो होंडा वहाँ पर खड़ा था, उसी पर ठेल दिया। चार्ज कहाँ है जी? आज यहाँ कहाँ है? आज तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। काहे लाए, किससे मिलने? हम डीएम से मिलने के लिए। क्या मिले जी? क्या कुछ बताया डीएम साहब? बताया कि हम जांच में भेजे। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र पासवान। क्या मामला है सर? मामला है कि चकंद्रा पंचायत को नगर पंचायत नया बना करके चकंद्रा पंचायत को नगर पंचायत चेवाड़ा में शामिल कर दिया, जबकि पंचायती नाम अधिनियम का अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि किसी भी पंचायत को आप जिस पंचायत में 50% से ऊपर कृषि योग भूमि पर आधारित है उसको पहले ले सकते हैं, जबकि हमारे पंचायत 95% कृषि पर आधारित, सभी किसान हैं, सभी जनता है। और नगर पंचायत में चले जाने से हमारा होल्डिंग टैक्स, हमारा जो पटवन का खेती का जितना भी तरह का टैक्स है कुल हमारा बढ़ जाएगा, जो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। और जितने भी तरह के पंचायत में योजना है सरकार का, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, उससे हम लोग वंचित हो जाएंगे। अभी आज कहाँ हैं, क्या मांग? अभी हम लोग डीएम साहब हैं, जिला पदाधिकारी महोदय से मिलकर के हम लोग एक स्मार्ट पत्र दिए हैं, आपत्ति दर्ज करने का 1 महीना का टाइम दिया गया है सरकार के द्वारा, हमने आपत्ति दर्ज कराए हैं, और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार।
इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंकलाब टीवी चैनल की ओर से हमारे सभी तेलुगु और हिंदी व्यूवर्स को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।